अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू शरीफ कलेक्शन। आज हम अपने गांव से थोड़ा सा दूर एक दूसरा गांव है खरपक के नाम से, वहां पे आए हुए। तो ये हम खरपक में बैठे हुए हैं, ये गांव है और ये बिल्कुल पहाड़ के बीचों बीच बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये पूरा। और यहाँ पे टाइम हो रहे जी 5:30, और सूरज देखें बिल्कुल गरूब हो रहा है। ये यहाँ के बल्किस्तान के रोड आप देख सकते हैं, बस यही रोड का मसला है। बाकी तो हर चीज़ सही है, लेकिन सिर्फ रोड का वो है। और ये जो आपको पानी की शोक की आवाज़ आ रही है, वो दरियाई शोक जो है यहाँ से गुजरते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ की तरफ ये सामने नज़र नहीं आ रही। ये देखिए, ये सामने जो है ना हमारा गांव है, ये आपको वहाँ पे ग्रीन उसमें नज़र आ रहा होगा। ये वाला जो गांव है ना, ये और हम लोग बैठे हुए यहाँ पे दूसरे गांव में। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये दरिया शोक जा रहे यहाँ से। और यहाँ पे खेतों में देख सकते हैं आलू लगा हुआ है, ये आलू है। और ये एक और वो है, अच्छा लगा बाजरा, बाजरा बाजरा ये बचे हुए। ये अभी सीज़न जो है ना थोड़ा सा आउट हो चुका है। और पानी देखें यहाँ पे, पानी में आपको दिखाता हूँ कितना खौफनाक पानी है। देख के यहाँ से सर्दियों में जो है ना ये पानी बिल्कुल साफ होता है, और अभी जो गर्मी का सीज़न है तो ऊपर से बर्फ़ पिघल के नीचे आ रहे हैं, तो वो मिट्टी मिट्टी सारा वो इसमें साथ आ रहे हैं, तो इन्हें थोड़ा सा मिट्टी वाला पानी जो है। और ये दूसरा जो रोड था पुराने ज़माने का, ये कच्चा रोड है, मतलब इसके ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये वाला, ये बिल्कुल कच्चा रोड है, तरपोल नहीं है इसके ऊपर। और ये पुराने ज़माने की रोड है, मतलब पुराने ज़माने में बनाया था, बहुत पहले का है। अभी जो नया रोड बनाया है ना वो ये वाला है, नया मतलब कोई 50-60 साल पुराना है ये वाला भी। और यहाँ पर एक छोटा स्कूल है, ये देखें तो आप लोगों को पता ही होगा, बच्चे यहाँ पे आते हैं और पढ़ते हैं माशाल्लाह से। ये देखें यहाँ जो गांव, जिस गांव में हम लोग आए हुए हैं खरपक में, गांव का सीन कुछ इस तरह ही है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से नीचे की साइड पे, यहाँ पे सारा मोर सारे रोड जो है ना इस तरह यूँ ऐसे ऐसे ही जाएगा, या यूँ ऊपर चलेगा या फिर नीचे जाएगा, या यूँ ऐसे ही टेरा शेरा पत्थर है ना, बहुत ज़्यादा पत्थर है, पहाड़ है, पहाड़ के बीच में से रोड बनाया हुआ है। तो ये इस तरह, और यहाँ पे सर्दी शुरू हो गई तो हमने जैकेट भी पहनना शुरू कर दी, सर्दी थोड़ा बहुत शुरू हो गई। अब सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन है, फिर इसके बाद यहाँ फुल सर्दी स्टार्ट होगा नवंबर दिसंबर में। तो यहाँ तो ये जो दरिया शोक नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ सारे बर्फ़ ऐसे ही जा रहे होंगे, मतलब ऐसे नज़र आ रहे होंगे बर्फ़ जो है, जैसे अभी पानी जा रहे हैं ना वैसे ही बर्फ़ जा रहे होंगे यहाँ से। और वैसे बर्फ़बारी भी बहुत होते, स्नोफॉल बहुत होते यहाँ पर। और यहाँ पर भी दरख्त शरख लगे हुए हैं सारे, देख सकते हैं आप ये जो इलाका है। अच्छा, ये दो गांव है, एक खरपक है, एक खरपक के नाम से है, और दूसरा छुस्कुर के नाम से है। ये छुस्कुर वाला इलाका है, यहाँ पे आबादी भी बहुत कम है, और छोटा जगह भी थोड़ा सा छोटा है।
और ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रोड के बिल्कुल सामने जो है ना अभी घर बन रहे हैं, ये सारे दुकानें हैं। और यहाँ के जो जो मेन मेन चीज़ें हैं ना, ये वाला जो दरख्त है ना, ये आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो दरख्त है ये अखरोट इस वाले दरख्त पे आते हैं जो बलूचिस्तान में बहुत मशहूर है। ये देखिए, ये सीन आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ से एक रोड ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो एक वहाँ पे छोटा सा लेक है, छोटा नहीं मतलब ऐसा आम यहाँ के हिसाब से बहुत बड़ा है, आम जो उसके हिसाब से थोड़ा सा छोटा है। और ये सारे बाजरे देखें, ये इस तरह आते हैं और इसके नीचे ये इस तरह ज़मीन से, यहाँ पे भी बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल तार के ऊपर कोई सेफ्टी नहीं है, ऐसे ही छोड़ा हुआ है, अगर दर्ख बाग गिर गए तो ग्रेन भी लगने का ख़तरा होते हैं। और ये सबसे जो ख़तरा होते हैं ना, ये पहाड़ों का होता है, ये अगर बारिश ज़्यादा आ गए तो फिर यहाँ से ये जितने भी आपको नीचे की साइड पे ये मिट्टी नज़र आ रहे हैं ना, ये वाला जो मिट्टी नज़र आ रहा है, ये पहले नहीं था, बाद में बारिश जब भी मतलब बारिश ज़्यादा हुई है ना तो ऊपर से मिट्टी सारा नीचे आया इस तरह, और ये सारे रोड ब्लॉक हो जाते हैं। अभी भी सुनने में आ रहे दूसरे छोटे गांवों में शहरों में, अल्लाह खैर करे सैलाबी का बहुत बड़ा सैलाब आ रहे, अल्लाह का शुक्र है बलूचिस्तान में कहीं पे भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन एक छोटा सा गाँव है जो हमारे गाँव के बिल्कुल करीब है, दूसरी साइड पर है, राइट लेफ़्ट साइड पे समझ लें, अभी हम लोग राइट साइड पे आए हैं, लेफ़्ट साइड पे उस गांव में आए हैं। और ये जो ये ऊपर से जो आते हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, ये बिल्कुल मतलब ऐसे ही ऊपर से आते और ऐसे पैक हो जाते, ऐसे लगते हैं कि जैसे सीमेंट से जो है ना वो प्लस्तर किया हुआ। अच्छा ये देखिए, ये मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पर अभी हम लोग सतह समंदर से 8534 फुट बुलंदी पे है, मतलब कराची सतह समंदर से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल डिटेल में, 8534 फुट बुलंदी पे है, मतलब इतने ऊपर आए भाई। और ये देख सकते हैं आप, ये हमारी ज़बान में इसको तो वन बोलते हैं, तरबूज जैसा है, इसको पका के खाते हैं, ये देखें बहुत सारे आए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो जो चीज़ें मतलब मुझे नज़र आ रहे हैं ना, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये सारा जो है ना असल में सीज़न थोड़ा सा आउट हो गया, वरना फिर ये यहाँ पे कुछ और होते हैं, गंदम होता या कुछ और चीज़ें होती। और ये सारे जितने भी दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे खुबानी के दरख्त हैं, पूरा खुबानी अभी सीज़न आउट हो गया तो फिर अभी खुबानी एक भी नहीं है, सारा दरख्त खाली पड़ा हुआ है, लोग उसको उतार के लेकर गए हैं। अच्छा मैं आपको एक और सीन दिखाता हूँ दरिया शोक का, पानी देखिए, पानी यहाँ का जो है ना एक अजीब सा वो घबराहट वाला पानी होते हैं, जैसे वहाँ तो नज़र नहीं आते, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो पानी है ये थोड़ा सा अलग वो दिखाते हैं, ये जो पानी है ना ये पाकिस्तान में ये किसी काम का नहीं, ये नीचे जो दरिया शोक जाके दरिया सिंह से मिलते हैं ना, ये उनके लिए, ये सुनने में तो आया है कि ये पानी जो है ना जाके सिंह तक पहुँचते जाते हैं, कराची तक दरिया में पहुँच जाते हैं, वो तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन सुनने में आया ये पानी वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और ये पानी जो है ना ऊपर जो साइड से आती है, इसमें ज़्यादातर इंडिया के जो बॉर्डर हैं, पाकिस्तानी जो बॉर्डर है, इंडिया की तरफ से ये वाला पानी आता है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं फिर जाके देख कर आया हूँ, तो जैसे हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर खत्म होते हैं ना, पाकिस्तान कहीं से इंडिया का शुरू होते हैं, ये पानी जैसे ऐसे ही जो है ना इंडिया के बॉर्डर से निकल के पाकिस्तान में, कुछ ऊपर के जो गांव है उसमें से आप माशालगंज का पहाड़ देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ।
नीचे जो है ना केतु का पता है, पानी आ गया ये थोड़ा सा चलता हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ ज़्यादा आ रही है या पानी की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, लेकिन जितना हो सके मैं ज़ोर से बोलूँ। खरपट का इलाका आ गया, ये हम यहाँ से वीडियो बना रहे हैं। आगे हम यहाँ इतने दूर आए हुए हैं गांव से,